ये जलेबी तो देखिए दोस्तों, लग रही ना एकदम रसीली मार्केट स्टाइल हलवाइयों जैसी। चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, आवाज़ सुनिएगा। सुनिए आपने आवाज़, एकदम परफेक्ट करारी और अंदर से रसीली। यहाँ पे प्लेट में मेरे पास 5 तरह के अलग अलग जलेबियाँ हैं। इन्हें सिर्फ जलेबी मत कहिए, ये जलेबी में आने वाले ऐसे 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत से लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि आप जलेबी बनाते हो लेकिन आपको ये नज़र आता है कि जलेबी बहुत सौखी हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी जलेबी में भर जाती है और जलेबी नरम पड़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है, बड़ी सुंदर तो दिख रही है भाई, हलवाई भी क्या शेप बना लेंगे, इतना बढ़िया शेप आपने बना लिया, लेकिन अगर इसको तोड़ के देखा तो पता चलता है कि जलेबी एकदम स्ट्रेची है, रबर जैसी हो गई है, करारापन तो इसमें दूर दूर तक है ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम लोगों को यह आती है कि बैटर इतना तेजी से नीचे गिरता है कि आप जलेबी के शेप को मैनेज ही नहीं कर पाते हो और जलेबी इस तरह से एकदम कड़क बन जाती है, जिसमें मतलब कोई फायदा ही नहीं है ऐसी जलेबी खा के। चौथी प्रॉब्लम यह आती है, अगर आपने मेरी या किसी और की वीडियो को डिटेल फॉलो किया लेकिन तब भी जलेबी चपटी बन रही है इस तरह से, तो ये चपटी बनती क्यों है इसकी भी जानकारी मैंने आगे बताई है। और लास्ट में दोस्तों ये देखिए, ये जलेबी की रिंग्स काफ़ी अच्छे फूले फूले हैं, रसीली तो ये थी, आधे घंटे के बाद ये जलेबी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, तो ये आखिर ऐसे क्यों हो गया इसके भी बारे में जानकारी मैंने आगे बता दी है। और इन 5ों में से एक भी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, और अगर आ रही है तो उसको सुधार कैसे सकते हो, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। जलेबी के लिए एक परफेक्ट जानकारी हासिल करने के लिए मैंने इतनी सारी जलेबियाँ वेस्ट कर दी दोस्तों, सामान सारा वेस्ट हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा खराब हुआ है, आप लोगों का तो बच जाएगा ना। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं वीडियो। और तो लोगों के पास मेजरिंग कप्स नहीं होते हैं तो मैंने मेजरमेंट ग्राम में भी बता दी है। तो दोस्तों देखिए, हमें पहले चीनी ले लेनी है, हम पहले शुगर सिरप बना लेते हैं। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप डाल दी, ये फिर से मैं आधा डालूँ, तो कप से अगर नापी जाए चीनी तो ये 1.5 कप है, ग्राम में देखा जाए तो 300 ग्राम है। और इसी कप से अब हम पानी नाप लेंगे, तो कप से पानी डालेंगे तो जितना चीनी आपने डाला था उतना ही पानी डालेंगे, और अगर ml में जानना चाहते हैं पानी तो 350 ml पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये पानी हमने यहाँ डाल दिया, अब हमें इसमें डालना है नींबू का टुकड़ा छोटा सा। ये छोटा सा टुकड़ा नींबू का हमारे 2 फायदे करेगा, एक तो चीनी में जो गंदगी होती है वो ऊपर आ जाएगी जिसे हम चम्मच से निकाल सकते हैं, और दूसरी चीज़ अगर आपको दिक्कत है कि जलेबी के ऊपर शुगर जाके जम जाती है वो जमेगी नहीं। और यहाँ पर मैं एक ही इलायची डालूँ, वैसे आप इलायची स्किप भी कर सकते हो, हल्का फ्लेवर चाहती थी इसलिए एक ही डाली, वो भी खोल के। इसे गैस के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल जिसमें मैं डाल रही हूँ मैदा, कप से मैदा 1 कप है, ग्राम में देखा जाए तो 150 ग्राम है। अब इसमें जाएगी दही, तो ये दही की कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, ना तो ये ज़्यादा पतली है ना ही गाढ़ी, तो दही मैंने कप से 3/4 कप ली है, ग्राम में ये दही 130 या 140 ग्राम के करीब आएगी। पूरा दही डाल दीजिए। दही क्यों डाली है इसमें, तो इसका रीज़न मैंने स्क्रीन पर लिखा है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है, आप मिक्स करने के लिए चम्मच या फिर विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे अच्छी तरह से ये मिक्स करूं, लेकिन अब ये गाढ़ा हो गया है, अब इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। कप में ही मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे सिर्फ 1/2 कप जितना पानी लगा, और ml में ये पानी हमें 130 या 140 ml लगा। और दोस्तों इस बैटर को आपको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। ये प्रोसेस बहुत बहुत ज़रूरी है अच्छी जलेबी बनाने के लिए, आप इसमें ज़रा सी भी कंजूसी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर ही आपको एक बार मेहनत पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इस तरह की चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बैटर चाहिए ना ही पतला। अब इस बैटर को हमें रेस्ट करने के लिए रखना है, टाइम है तो आधा घंटा रखें या फिर 10 मिनट भी काफ़ी हैं। अब दोस्तों जलेबी तलने के लिए हम किसी चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, पैन परफेक्ट रहेगा, पैन में एक बार में 5-6 जलेबियाँ आ जाती हैं। पैन में तेल या घी की लेवल यहाँ तक रखेंगे, यानी कि जलेबी उसमें डूबनी चाहिए। इसे भी मैं गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। एक नज़र ज़रा शुगर सिरप की तरफ देख लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, शुगर सिरप के अंदर जो हमने नींबू डाला था उसने अपना काम कर दिया, चीनी की गंदगी सारी ऊपर आ चुकी है। इसे मैं चम्मच से हटा लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गंदगी मैंने चम्मच से निकाल ली है, चीनी अभी एकदम साफ नज़र आ रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल पतली है, हमें इतनी पतली चाशनी नहीं चाहिए जलेबी के लिए। अगर इतनी पतली चाशनी में जलेबी डाल दी जाए तो जलेबी बिल्कुल सौगी हो जाएगी, जैसे मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ। अब हलवाई लोग भी जलेबी में कलर डालते, तो ये मैंने भी डाल दिया, 1 चुटकी भर के मैंने पीला कलर डाला है, तो ये चाशनी जो है हमारी पीले कलर में हो जाएगी। आप बिना कलर के भी जलेबी बना सकते हो, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में केसर डालना पड़ेगा, तो केसरिया कलर फिर जलेबी को आएगा। चलिए मैं ये चीनी को थोड़ा सा पकने देती हूँ, अभी ये बहुत पतली है, लो आंच पर रखा है, तब तक मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। अगर आपने जलेबी के बैटर को इस तरह से रखा, ये देखिए बैटर एकदम फ्लोइंग है, थोड़ा पतला है, और अगर इसकी जलेबी बना के देखी तो बैटर इतना तेज़ी से गिरते जाएगा कि आप जलेबी के शेप को मैनेज नहीं कर पाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी जलेबी बनेगी, और जब ये पक जाएगी तो बिल्कुल ही कड़क हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। तो फिर क्या किया जाए, इसमें आपको और मैदा ऐड करना पड़ेगा और बैटर को ठीक करना पड़ेगा ताकि आपकी जलेबी अच्छी बने।
और एक दूसरी चीज, अगर आपने बैटर इस तरह से रखा, ये बैटर थोड़ा सा लंपी सा है, स्ट्रेची हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है ये बैटर, अगर इस तरह से हो तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी जरा सी गाढ़ी है। इसकी जलेबी अगर बना के देखी तो बेशक जलेबी बहुत अच्छी बनेगी, उसको शेप बहुत सुंदर आएगा, लेकिन देखिए दोस्तों ये जलेबी के अंदर जो है ना चाशनी जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि जलेबी मतलब पोरस बनी ही नहीं कि उसके अंदर चाशनी जा पाए। तो देखा ना दोस्तों आपने, जलेबी दिखने में तो सुंदर है लेकिन जलेबी के ये जो राउंड्स होते हैं ना, ये इतने चिपके चिपके कभी नहीं होते, ये इसलिए चिपक गए क्योंकि बैटर गाढ़ा था या फिर तेल ठंडा था, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसी जलेबी चाशनी में डाल दी और उसे चेक किया तो वो बिल्कुल स्ट्रेची बनेगी, इस तरह से एकदम रबर जैसी बन जाएगी, करारी नहीं बनेगी। तीन प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दिए, बचे दो वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चाशनी मेरी पक चुकी है, सो यहाँ पे ये नींबू और इलायची का काम हमारा हो चुका है, तो इन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं। अब है सबसे जरूरी पॉइंट, चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करना। कैसे चेक करेंगे? हमें इसके लिए किसी तार की चाशनी नहीं चाहिए, लेकिन चाशनी हमें गाढ़ी चाहिए। यहाँ पे एक ड्रॉप मैंने मेरी उंगली पर लिया है, थोड़ा सा ड्रॉप को सेटल होने दीजिए। अभी गैस को बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आप जब तक ये चेक करेंगे तब तक चाशनी कहीं ज़्यादा ना पक जाए, तो गैस मैंने यहाँ पर बंद कर दी है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों हाथों में थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि दो उंगलियाँ आपस में चिपक रही है, तार नहीं बन रही पर उंगली दोनों आपस में चिपक रही है, इसका मतलब चाशनी चिपचिपी हो चुकी है। बस ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चाशनी की, यहाँ पे गैस मैंने बंद ही रखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बैटर को आधे घंटे के लिए रखा था, मैंने आपको बोला था 10 मिनट भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर से एक बार इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ 2-5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाली हूँ चुटकी भर पीला रंग। मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर आपको कलर नहीं यूज़ करना तो आप बैटर में कलर मत डालिएगा, सिर्फ चाशनी में आपने थोड़े से केसर के धागे डाल देने तो जलेबी को कलर आ जाएगा, ज़्यादा ब्राइट नहीं आएगा लेकिन अच्छा खासा आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटा है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें डालना है बिल्कुल चुटकी भर के खाने वाला मीठा सोडा, जो कुकिंग सोडा जो हम पकोड़े में यूज़ करते हैं वही वाला, ये हम इसमें डालेंगे बिल्कुल। देखिए एक चुटकी में इतना है, ये मैंने डाल दिया। अब ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे बस, और फिर पॉलीथीन में भर देंगे। आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, मैंने पाइपिंग बैग ली है, ये मैंने बैग में भर लिया है, पीछे से रबर बैंड लगाया है और आगे के एंड को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट लेना। अब देखिए दोस्तों, ये इसी पैन में मैंने आपको जो पहले दो टाइप बताया ना, इसी में तले थे मैंने। अब ये तेल थोड़ा गर्म है, लेकिन देखिए दोस्तों अब कैसे पहचाने कि कैसे हम सही जा रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए देखिए ये जलेबी डालना मैंने स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल मैनेज कर पा रही हूँ अच्छी तरह से, एकदम गोल के ऊपर राउंड के ऊपर राउंड बढ़िया सुंदर से गिर रहे, लेकिन ये डालते से ही जलेबी ऐसे फूली नहीं, हमने तो सोडा डाला था लेकिन फिर भी फूली नहीं, तो इसकी वजह ये थी क्योंकि इसको प्रॉपर हीट ही नहीं मिली, यानी कि तेल अच्छे से गर्म था ही नहीं, तो जलेबी आपकी क्या होगी इस केस में, चपटी ही होगी। अगर आपने मेरी भी मेथड को ठीक से फॉलो किया लेकिन तेल ही ठीक से गर्म नहीं रखा तो जलेबी चपटी बनेगी ही बनेगी। तो आपको क्या करना होगा, तेल के टेम्परेचर को ठीक से गर्म करना होगा। किस तरह से, देखिए आगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से तेल को थोड़ा गर्म कर लिया, अब ये मैंने जलेबी डालना शुरू किया ही है लेकिन पूरा जलेबी होने से पहले ही जलेबी फूलने लग गई। ये देखिए दोस्तों, दो राउंड होते ही जलेबी फूलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको मेरी बात को फिर से दोहराना है तो वीडियो को पीछे लेके जाके आप चेक कर सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने जलेबी डाल ली। अब देखिए दोस्तों, जलेबी का शेप है ना ज़्यादा गोल अच्छा नहीं लगता, सच बताओ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही अच्छा लगता है। टेढ़ी मेढ़ी जलेबी दिखती भी सुंदर है, ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट से ही लाए हैं, ठीक है। तो अब हम ये इन्हें थोड़ा सा तल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि जो मैंने आपको बोला वो सच में सही है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, जलेबी कितनी गोल है, ये जो जलेबी के राउंड्स है ना, क्या कहेंगे इसको, पाइपलाइन खेलें, ये जो पाइपलाइन है ना जलेबी की, ये देखिए दोस्तों कितनी गोल गोल है एकदम। अब इस वक्त गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है क्योंकि हमारी जलेबी आज जलनी नहीं चाहिए, हमें इन्हें पूरा क्रिस्पी होने तक, थोड़ा गोल्डन कलर आने तक तलना होता है। तो एक मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखिए इसकी ये जो लाइंस हैं, बिल्कुल ये जो राउंड्स है एकदम गोल के गोल है। ये देखिए, चपटी जलेबी अगर होती है ना कहीं से भी तो वो दूर से देखने पर से ही समझ में आ जाती है। तो ये आप बिल्कुल इस मेथड को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से जलेबियाँ घर पे बनाइएगा दोस्तों। ये हमने इन्हें अच्छे से तल तो लिया है, थोड़ा गोल्डन ये हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दोनों जलेबियों का अंतर आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, हमने शुगर सिरप तो पहले से ही बना के रखा है, शुगर सिरप हमारा इस वक्त हल्का गर्म है और जलेबियाँ एकदम गर्मा गर्म है, तो ये गर्मा गर्म जलेबियाँ सिरप में डाल दीजिए। जलेबी अपने अंदर सिरप को 20 सेकंड के अंदर सोक कर लेती हैं। थोड़ा सा मैं इसको पलट देती हूँ, सिरप इसके अंदर जा चुका है, एकदम रसीली जलेबी आपको नज़र आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी करारी। अब अगर आपने जलेबी को ज़्यादा देर के लिए सिरप में डुबो कर रख दिया तो जलेबियाँ नरम पड़ जाएंगी, तो ज़्यादा देर के लिए भी सिरप में रखना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल थोड़ा सा ही सिरप बचा है, एक बड़ा बाउल भर के जलेबियाँ बनी, इसमें से इतना सिरप बचा है।
दोस्तों मैंने इस तरह की भी जलेबी बनाई है, ये देखिए ये शेप में थोड़ी सी ज़्यादा गोल है, लेकिन ये जो गोल वाली जलेबी थी ना ये 1 घंटे बाद सॉफ्ट हो गई थी, और ये जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी ये 4 घंटे तक भी क्रिस्पी ही थी। दोस्तों आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये जलेबियाँ 4 घंटे तक क्रिस्पी थी। और दोस्तों ये देखिए, अगर जलेबी आपको बिल्कुल परफेक्टली बनानी है ना, तो सिर्फ 4 चीज़ों का जोड़ एकदम बराबर बैठना चाहिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी? आपने जो इसमें बेकिंग सोडा डाला है उसकी क्वांटिटी, बैटर की कंसिस्टेंसी, तेल का टेम्परेचर और चाशनी की कंसिस्टेंसी। ये 4ों चीज़ें अगर एकदम परफेक्टली इनका जोड़ बैठ जाए तो आपकी जलेबियाँ अच्छी ज़रूर ज़रूर बनेंगी। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।